बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने यूएस हिस्ट्री के अंदर देखा था कि स्लेवरी की वजह से वहाँ पे जंग होती है, ठीक है। उसे कहते हैं सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होती है कि आपस में आपके लोग इदारों से लड़ना शुरू करते हैं, इदारे लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती स्टार्ट करते हैं, इसे कहते हैं सिविल वॉर। सिविल वॉर किसके दरमियान में होती है? नॉर्थ और साउथ के दरमियान में होती है, ठीक है। इसके हर चीज को जब आपने पढ़ना है ना, तो उसके बेटा कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन होती हैं, उसके हिसाब से आपने उसको लेकर चलना होता है। जैसे अगर मैं सिविल वॉर की बात करूँ, तो सिर्फ स्लेवरी एक इशू नहीं था कि भाई इसी के ऊपर आपने बेस बनाई और उसके ऊपर लड़ाई शुरू हो जाती है। स्लेवरी के अलावा इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमी, पोलिटिकल इशूज थे, सोशल इशूज थे इनके। इसी तरीके से आपके पास रिलीजियस डाल दें आप इसके अंदर, डायमेंशन के अंदर, और कुछ यहाँ पे मिसकम्युनिकेशंस वगैरह थी, राइट्स का मसला था। तो जंग जो एक होती है और सिविल वॉर इतने बड़े पैमाने पे होती है ना, वो बहुत सारी डायमेंशंस के ऊपर होती है, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो टॉपिक है ये स्लेवरी से रिलेटेड, लेकिन हम इसमें बाकी कॉजेज भी देखेंगे, ठीक है। नाउ अब जंग जो होती है वो 1861 से 1865 का इसका टाइम पीरियड है पूरा। आपको जंग के एक एक इवेंट के बारे में तो नहीं देखना है, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता देता हूँ कि 1861 से 1865 तक आपके पास सिविल वॉर है यूएस, ठीक है। कॉजेज वगैरह हमने इसकी पहले डिस्कस कर ली थी, आज हम थोड़ा सा इसको आगे की तरफ देखते हैं कि और यहाँ पे हुआ क्या। स्लेव्स एक्ट वगैरह आए थे। अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बनता है ना, उस टाइम पे जो साउदर्न होते हैं वो ये कहते हैं कि बस हो गई है हमारी, और अब जो है अब्राहम लिंकन साहब जो हैं वो तबाही फेर देंगे पूरे अमेरिका पे, हम अलग हो रहे हैं। ये अपने साथ जो है कुछ स्टेट, 11, 9, 10 स्टेट आपस में फैसला करती हैं साउदर्न की, कि अब हम अलग हो जाएंगे और ये बनाते हैं अपना कॉन्फेडरेशन, ठीक है। ये समझ लें अपना एक अलग ही मुल्क बना लिया इन्होंने यूएसए के अंदर। क्यों? इन्हें एक डर था, इन्हें डर क्या था कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है ना वो डाउन हो जाएगी, सही है, वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि साउथ जो था वो किसके ऊपर चल रहा था, वो स्लेव्स के ऊपर चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर था सब कुछ। तो ये सिलसिला इनका स्टार्ट हुआ और ये डरना शुरू हो गया। होता क्या है कि स्लेवरी जब आती है तो ये नॉर्थ के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, सही है, एबोलिशन मूवमेंट उसको कहते हैं। उसके अंदर वो कहते हैं कि जी हम लोग जो है यूएसए जो बना था वो नजरियाती मुल्क है, हर इंसान के पास राइट्स हैं, जुल्म ज्यादती नहीं होगी, और स्लेवरी एक जुल्म ज्यादती है। नॉर्थ वाले तो चीज को मानते हैं, लेकिन साउथ वाले इनकार करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, डिबेट्स होंगी, अब्राहम लिंकन साहब जो है वो डिबेट्स वगैरह करते हैं, फिर फैसला होता है कि जी हम साउथ की जो स्टेट्स हैं वो अलग हो रही हैं। और उस चीज को रोकने के लिए अब्राहम लिंकन नॉर्थ और सारे कुछ मिलकर यूनियंस बनाते हैं, और ये फाइनली अपनी आर्मी को भिजवा देते हैं साउथ स्टेट के अंदर, ताकि इनके खिलाफ आप जो भी रिवोल्ट करें, जो भी रिबेलियंस हैं उनके खिलाफ आप बचत करो, हमारी बचाओ चीजों को, ठीक है। कॉजेज आपको पता होनी चाहिए किसी भी चीज की, कॉजेज क्या थी, और कॉजेज के बाद एक्चुअल में वॉर टाइम इवेंट्स में सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक एक वॉर इवेंट, हीरो और ये सारी चीजें याद करते हैं, हालांकि वो आपको याद नहीं करनी होगी। जैसे स्टार्ट करोगे ब्लीडिंग कैंसास से, फिर तुम इसमें पोर्ट रॉयल का जिक्र करोगे, वहां पे ब्लॉकेड हो गया था, और आखिरी में बताओगे जी फाइनल बैटल में नेगोशिएशन हुई थी, वो नेगोशिएशन क्या थी, ठीक है। नेगोशिएशन यही थी कि साउथ वाले ने सरेंडर कर दिया था वहां पे। अब जहां पे जंग होती है वहां पे क्या हुआ जी, पहले 5 लाख कैजुअलिटीज हुई, जाहिर है भाई लड़ाई होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, $30 बिलियन का लॉस, इन्फ्लेशन। इसके अलावा क्या हुआ कि भाई अब तुमने स्लेव आजाद तो करा लिए, लेकिन उन स्लेव का खाना पीना नौकरी वोकरी कहाँ रखोगे उनको, तुम्हारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है। तो ये वाले भी आप इम्पैक्ट जिक्र करोगे। अच्छा, उसमें फिर रेवोल्यूशनरी चेंजेस आई वॉरफेयर में। पहले जी मस्कट इस्तेमाल होते थे, उसके बाद राइफल्स आना शुरू हो गई, फिर मैंने आपको बताया बलून्स आ गए, स्पाई कैमरा आ गया इसके अंदर, रेल रोड्स बन गए थे। तो नॉर्थ और साउथ में बहुत डिफरेंस था। अब जब तबाही फेर दी ना पूरे साउथ के ऊपर और दोबारा से सब सही करना था, तो
हुआ यूं, वहां पे रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट कैसे होती है? अब्राहम लिंकन एक प्लान देते हैं और उस प्लान को कहते हैं 10% प्लान। ये आ सकता है पेपर में आपके ना, कि जी 10% प्लान क्या चीज है। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10% ये था कि साउथ, क्योंकि रिबेलियन स्टेट थी, यहाँ पे लिखा है साउथ जो है वो एक रिबेलियन स्टेट थी, तो उसको कहते थे अगर इसमें से सिर्फ 10% लोग भी हमें वोट दें और ये कहें कि जी हम स्लेवरी के अगेंस्ट हैं और हम यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, यानी फेडरल गवर्नमेंट का हम पार्ट बनेंगे और हम स्लेवरी को खत्म करेंगे, तो अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था कि जी उनकी प्रॉपर्टी वगैरह की जिम्मेदारी जो है ना वो हमारी हो। ठीक है, ये वाला सिलसिला। उसके बाद जी एक आया फ्रीडमैन ब्यूरो। इसमें क्या था कि जी इक्वेलिटी दी जाएगी लॉ में तमाम लोगों को, रेफ्यूजीज और जो स्लेव फ्री हुए उनके लिए भी हम काम करेंगे, काले गोरों का फर्क हम मिटाएंगे यहाँ से। ये रिकंस्ट्रक्शन का एरा स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया, इब्राहिम लिंकन 13 अमेंडमेंट लेकर आते हैं। 13 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए की तारीख में, वो आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ 13 अमेंडमेंट 1865, या ये भी कह सकता है बेटा कि 13 अमेंडमेंट जो हुई है उसकी कॉजेज और उसके इम्पैक्ट बता दो। तो कॉजेज क्या थी? सिविल वॉर, ठीक है, और वो सारा कुछ इकोनॉमिक वगैरह। इसी तरीके से 14 अमेंडमेंट है, 15 अमेंडमेंट है, ये मेरे नोट्स में सब कुछ लिखा, राइट। रिफॉर्म्स होती हैं, जाहिर एक मुल्क तबाह हो गया उसको फिर बनाया गया, तो उसको उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन कहा। अब मैं ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने मजीद नोट्स में लिखी, आपको किसी और सोर्स को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। हेडिंग वाइज प्रॉपर छोटा छोटा इसके अंदर मैंने हर कुछ लिखा हुआ है। अब्राहम लिंकन ने जब प्लान दिया अपने 10%, वो आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए क्योंकि उनको किसी ने गोली मार दी थी और उनको असैसिनेशन हो गई थी। नेक्स्ट जॉनसन आपके पास, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो जॉनसन है, और ये भी अब्राहम लिंकन के नक्शे कदम पे चलते हैं, लेकिन ये साउथ से बिलोंग करते हैं और ये साउदर्न को ज्यादा जो है वो हार्श पनिशमेंट नहीं देना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये सारी कुछ थी। फिर आपके पास यूनियन बनना शुरू हो गई, तो ये साउथ के अंदर पहली जो स्टेट आई थी वो टेनेसी स्टेट थी और आखिरी जो आई वो जॉर्जिया स्टेट थी। यूनियन बन गया और इस तरह से आपके पास स्लेवरी जो है वहां पे खत्म हो जाती। नाउ ये सारा कुछ सिलसिला जो है 1867 1868 के अंदर खत्म हो जाता है, और अब यूएसए यहाँ से अपने पास पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर देखता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर क्यों आ रहा है? क्योंकि अब वहां पे इंडस्ट्रीज हैं, नॉर्थ की साइड में इंडस्ट्रीज है, साउथ आपका तबाह हो चुका है। होता क्या है बेटा यहाँ पे कि अब कोई भी मुल्क, अब सोचो तरक्की कर रहा है, अब जब वो तरक्की करना शुरू करता है तो उसके पास क्या क्या चीजें होती हैं। पहले हम ये देखते हैं कि यूएस को जरूरत क्या पड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। नंबर वन, जो एम्बार्गो एक्ट लगे थे 1807 और 1812 के अंदर, वो ये शो कर रहे थे कि यूएसए एक वीक पावर है। ठीक है, इसी तरह से ये अक्सर अपनी जो है वो कश्तियां जो थी इनकी, याद होगा आपको यार्ड शिप सारी के सारी, वो कभी फ्रांस कैप्चर करता था कभी इंग्लैंड करता था, तो इसमें भी ये होता था कि यार हम क्या वीक नेवल पावर है। इसी तरह से सिविल वॉर हुई, सिविल वॉर में सब कुछ टूट गया, एग्रीकल्चर तबाह हो गया आपका। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ी। अब आपको पता है वेस्टवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुई आफ्टर लुइजियाना परचेज, तो वेस्टवर्ड मूवमेंट में क्या था, आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे थे, जितनी भी दरिया के आसपास की जो चीजें थी वहां से आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं। रिसोर्सेज में कॉपर है, आयरन है, इसी तरीके से आपके पास डैम्स हैं। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन बनाई इन्होंने, रेल रोड नेटवर्क बनाया। आप ये जो सुनते हैं ना ग्राहम बेल, इन्होंने जी फोन की एक इजाद हुई, टेलीग्राम आया, हेनरी फोर्ड ने जी गैसोलीन मोटर बनाई, स्टीम बोट आ गया था, ठीक है, जो चीजों को कैरी करने के लिए आसानी से इस्तेमाल होता था। अच्छा, अब क्योंकि अमेरिका तरक्की कर रहा था तो दूसरे मुल्क क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ठीक है, जैसे भाई हमारा पैसा लगा दो इस मुल्क में तरक्की कर रहा है, तो कहाँ से पैसा आ रहा था, ब्रिटेन के कुछ बिजनेसमैन यहाँ पैसा लगा रहे थे, तो ये कैपिटल ग्रो हो रहा था, यूएसए एक एक ग्रोथ मार्केट हो रही थी। फिर प्लस लेबर सप्लाई आना शुरू हो गई, लिखा हुआ फ्लोटिंग लेबर फोर्स। ये किधर से आ रही थी लेबर फोर्स? ये आ रही थी यूरोप से। ठीक है, लोग देख रहे थे यूएसए में काम हो रहा है तो लोग यूरोप को छोड़ छोड़ के यूएसए की तरफ आ रहे थे। यूएसए भी अच्छा अच्छा हो रहा है, सब कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ने टैरिफ वगैरह जो है वो हटा दिए थे, और
इसी तरह से इन्होंने एक चीज की थी कि हम लोगों को चीप लैंड प्रोवाइड करेंगे, वो आए यहाँ पे अपना काम करें, इंडस्ट्री लगाएं, और जो भी जो थोड़ा बहुत मुनाफा हो वो गवर्नमेंट को दें, बाकी जो है वो खुद चलाते रहें। रेल रोड इन्होंने बनाए, ठीक है। इसी तरीके से अमेरिकन कुछ कॉरपोरेशन थी, उनको इन्होंने कहा कि आप बॉन्ड दे सकते हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करें। कम्युनिकेशन आसान हो गया, मैंने बताया आपको, टेलीग्राम, टेलीफोन, ये सारी चीजें आ गई। न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश होना शुरू हो गए। सही। अच्छा, इन सब से हुआ क्या? अमेरिका के हालात अच्छे हो गए, नो डाउट, लेकिन इसमें मिडिल क्लास जो है ना वो इंक्रीज हो गई। सही। कैसे? वेल्थ इंक्रीज हुई, लोगों ने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा लिया, कंजप्शन और स्पेंडिंग इंक्रीज हो गया। हर शख्स जो नॉर्मल भी, वो भी गाड़ी खरीद रहा है, वो भी अच्छे घर में रह रहा है। सेकंड, अर्बनाइजेशन हो रही है। अर्बनाइजेशन क्या होती है? कि लोग गांव को छोड़कर ना शहर की तरफ आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो मेजोरिटी ऑफ सिंध रूरल है ना, और पंजाब के जो रूरल एरियाज है, नॉट लाहौर, ये जो आपके रूरल एरियाज है, यहाँ से लोग छोड़ के कराची आके नौकरियां कर रहे हैं, और कराची वाले दुबई जो जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। ठीक है, ताकि हम अपना रोजगार कमा सकें और वहां पे अपना अपने आप को सेटल करके, वो पैसा, उसकी वैल्यू वहां ज्यादा है, तो हम अपने घर भेजेंगे तो वहां के लोग अच्छे से रह सकते। जॉब्स वगैरह थी, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम अभी भी यूएसए में चल रही थी। जैसे आबादी बढ़ गई थी तो वाटर रिसोर्सेज का मसला था, इसी तरीके से सैनिटेशन का इशू आ रहा था, बीमारियां थी, और पुअर और रिच के दरमियान ना एक गैप जनरेट हो रहा था। रिच जो है वो कहता था, भाई अपनी जो तुम्हारी झोपड़ी है इसको हटाओ यहाँ से, हमारे यहाँ बिजनेस लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे फीमेल का किरदार आ रहा है, विमेन का। अब विमेन भी आहिस्ता आहिस्ता टाइपिस्ट की जॉब, टेलीफोन ऑपरेटर्स बनना शुरू हो गई, नर्स, कंपाउंडर, इसकी जॉब इन्होंने ले ली। इसी तरीके से सोशल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिलना शुरू हो गया। कैसे? कि अब ये पढ़े लिखे हो गए तो इन्होंने कहा, जी हम शादियां जो है देर से करेंगे और हमारी फैमिली स्मॉल होंगी। पहले क्या होता था, ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा एग्रीकल्चर में काम होगा, फैमिली स्टेबल होगी। अब इनका जो है थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका था। तो ये सारा इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ यहाँ पे बिग बिजनेस की मोनोपोलीज भी स्टार्ट हो गई। भाई बिग बिजनेस इसका चल रहा है, उसने बोला कि भाई हमारे हिसाब से पॉलिसीज होंगी, छोटे बिजनेस को आगे नहीं आने देते। इसी तरह अब यूएस को मार्केट चाहिए थी, तो जाहिर है जब आप अपने मुल्क में तरक्की कर लिए, सब चीजें अच्छी, तो अब आप बाहर के कॉन्टिनेंट में देख रहे हो, तो यूएसए ने बाहर की तरफ रुख किया। ओके जी, इसी तरह से अमेरिकन सिविलाइजेशन बनी। 1901 में रूजवेल्ट ने कहा, जी स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक। ये पेपर में आता है, स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक, मतलब कि आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अच्छा भी रखना है, बट एट द सेम टाइम आपके हाथ में छड़ी भी होनी चाहिए कि चीजें जो हैं अगर थोड़ा सा बाहर जाती हैं तो आप उनको स्ट्रिक्टली हैंडल कर सकें। तो एक डोमिनिकन रिपब्लिक था, उसको जी यूएस ने ओन किया, उसको फाइनेंसिस दिए और उसको बचाया यूरोपियन इंटरवेंशन। अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूएसए खुद भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और दूसरी कंट्रीज को कॉलोनाइजेशन से बचा रहा है। ठीक है, और इस तरह करते करते ये एक वर्ल्ड पावर बनेगा। सही है, तो ये 1870 से 1916, आपके बेसिकली 1914 के अंदर तो वो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखें कि चल क्या रहा है। अगेन, आप चीजों को समराइज करते हैं, यहाँ से मैंने कुछ चीजें बोल्ड लिखी हुई है, जैसे मशीन रिप्लेस हैंड लेबर, जैसे कॉटन गिन आई थी याद करें स्टार्ट में, इसी तरीके से अब मशीन आ गई तो काम क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। रेलवे नेटवर्क था, रेलवे नेटवर्क से क्या हो रहा है जी, मंथ और टन की चीजें जो है वो इजिली सप्लाई हो रही है। ठीक है, अमेरिकन लाइफ पे क्या था, बिजनेस बूम आया, माइग्रेशन स्टार्ट हुई, वो मैंने आपको बता दिया, अमीर गरीब के दरमियान का डिफरेंस था। साउथ क्योंकि वॉर टॉर्न था, इकोनॉमिकली पीछे रह गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में नॉर्थ आगे निकल चुका है। यूएसए ने अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ानी शुरू कर दी। इसी तरह से यहाँ पे बिग बिजनेस का राइज हो गया, प्रोडक्शन मेथड ज्यादा हो गए, लोगों की कंजम्पशन ज्यादा थी, और क्या हुआ, टाइपराइटर आ गया। सही है, बार्ब वायर आ गई, आपने देखा होगा जो मलीर कैंट वगैरह के एरियाज होते हैं ना, या फिर कुछ लोग अपने घर पे भी ना फोल्डेड वायर्स लगी हुई थी जिसमें कांटे निकले हुए, उसे बार्ब वायर कहते हैं। टेलीफोन आ गया, गाड़ियां आ गई, ये सब कुछ यूएसए के अंदर इम्पैक्ट आना शुरू हुआ।
यूएसए के पास पहले भी नेचुरल रिसोर्सेज थी। वो नेचुरल रिसोर्सेज क्या थी? वाटर सप्लाई तो था, क्योंकि आपको पता होगा मैंने अमेरिकन रेवोल्यूशन में आपको बताया था कि फ्रांस के पास 5 लेक्स थी, राइट। वो जो ऊपर का एरिया था वो फ्रांस के पास था, अब वो भी यूएसए का है। तो उधर की जो एरिया था उसमें पानी था, और पानी जो है वो गोल्ड है, राइट। इसी तरीके से जंगलात हैं, आप अगर वेस्ट रीजन की तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ पे जंगल मिलेगा आपको। अब जंगल से लकड़ी मिलेगी, ठीक है, और आपका कारोबार बढ़ेगा। इसी तरह से कोल मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, पॉपुलेशन बढ़ गई। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा कंजम्पशन, जितनी ज्यादा कंजम्पशन उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा नौकरियां, ठीक है। इसी तरीके से न्यूज़पेपर छपना शुरू हो गए, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, ये सारी चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर ली। अच्छा जी, ये सारा कुछ सिलसिला इसके अंदर चला, फिर इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये आपको लगेगा कि सर इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, बेटा देखो इम्पैक्ट्स में ना हमने इन सबको समराइज करके एक एक दो दो लाइनों में लिखना है। एक हेडिंग लगाएंगे हम इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग, और उसमें दो तीन लाइनें लिखनी है हमने, सही है। न्यू बैंक खुलना शुरू हो गए, ट्रेड हो गई, क्रेडिट पे डेबिट पे सामान मिलना शुरू हो गया, ये सारा कुछ सिलसिला। नॉर्थ तो तरक्की की मंजिल पार कर चुका, नॉर्थ बहुत आगे, लेकिन अगर हम साउथ और वेस्ट की मिसाल देखें तो वहां क्या हो रहा था। द वॉर ऑन साउथ आफ्टर द सिविल वॉर, अमेरिकन इन द साउथ फेस द टास्क ऑफ रीबिल्डिंग वॉर टॉर्न सोसाइटी। अब ये क्या कर रहे थे? उस वॉर टॉर्न सोसाइटी को बनाना। द साउथ रिमेन एन एग्रीकल्चर एरिया थ्रू आउट द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब भाई वहां पे कोई इंडस्ट्री थी नहीं, तो वहां पे अगेन एग्रीकल्चर को ही इन्होंने फरोग दिया। नॉर्थ तरक्की कर रहा है, साउथ अभी एग्रीकल्चर के ऊपर है। मैनी थाउजेंड फार्मर्स बोथ ब्लैक एंड व्हाइट ओन द लैंड दे वर्क, बट इन जनरल द लैंड इज स्मॉल इंडिपेंडेंट फार्मर्स वर पुअर। ये लोग जाहिर है किसान थे, तो ये लोग गरीब भी थे। तो होता क्या था, द टेनेंट फार्मर किराएदार जो होते हैं, द टेनेंट फार्मर लैक द इंसेंटिव टू इम्प्रूव द लैंड। ये इम्प्रूव भी नहीं कर पा रहे थे, और इनके पास कंट्रोल भी नहीं था प्रोडक्शन का, ठीक है। तो फॉर दीज एंड अदर रीजन एग्रीकल्चर रिमेन मोर बैकवर्ड इन द साउथ देन एल्सवेयर। सही है, ये जुमला आपने अपने पेपर में लिखना है। ये सारी बातें आप करेंगे कि भाई वहाँ फार्मर को पैसे नहीं मिल रहे थे, ये मसला था, वो मसला था। एंड में आप लिख दीजिएगा कि साउथ के अंदर जो हालात थे ना वो और खराब हो गए, ठीक है, एग्रीकल्चर के। नेक्स्ट है जी वेस्टर्न फ्रंटियर। वेस्टर्न फ्रंटियर क्या था कि वेस्ट के अंदर जो आपके पास पहले से रेड इंडियंस या नेटिव अमेरिकन जो रह रहे थे, उनके लिए क्या आया? होम स्टेट एक्ट आया। होम स्टेट एक्ट क्या था कि अब वाइट अमेरिकन जो रह रहे थे ऑलरेडी कॉलोनीज के अंदर, वो जाएंगे दूसरे एरियाज के अंदर, पूरा एक्सप्लोर करेंगे यूएसए को, और वो चीप पैसों में लैंड खरीद सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें ये है कि जो वहां ऑलरेडी रेड इंडियंस रह रहे थे, उन्होंने फाइटिंग स्टार्ट की। उन्होंने कहा नहीं जी हमारी जगह, बट इस टाइम तक गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो गई थी, उसने सोल्जर भेजे और उन्होंने ये रेड इंडियन अपराइजिंग को खत्म करवाया, ठीक है। ये सारा कुछ हुआ। ये अगेन ये मैंने चीजें रिपीट की हुई है इसके अंदर, ताकि आपको मजीद से मजीद डेटा मिलेगा। और आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, आप इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, अपने नोट्स बनाए। अब यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट की, द गिल्डेड एज। कहते हैं द गिल्डेड एज इज डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन द सिविल वॉर एंड द वर्ल्ड वॉर वन। बेटा सिविल वॉर हुई है 1861 से 1865, और वर्ल्ड वॉर वन हुई है 1914। कहता है इज द टाइम बिटवीन, तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि गिल्डेड एज क्या है और यूएसए ने इसमें कैसे चीजें की। तो गिल्डेड एज उस टाइम से लेके इस टाइम तक का टाइम पीरियड है। क्या लिखोगे इस सवाल में, अभी बता रहा हूँ आपको। आप सिविल वॉर की हिस्ट्री डिस्कस करोगे, आप 1867 से बताओगे कैसे रिकंस्ट्रक्शन हुई, रिकंस्ट्रक्शन के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुई, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद 1900 में जाके यूएसए एक पावर की तरह इमर्ज करना कैसे शुरू हुआ। आई होप सो क्लियर हो रही होंगी आपको चीजें। ये गिल्डेड एज आ गई आपके पास। ये कुछ एक्स्ट्रा डेटा था मार्क ट्वेन ने कहा था, मैंने काटा है, आप बिल्कुल इसको रीड कर सकते हो। और यहाँ तक हम देखेंगे कि आफ्टर द सिविल वॉर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टीज बनती हैं, और होता क्या है कि इसके बाद एक प्रोग्रेसिव एरा स्टार्ट होता है। प्रोग्रेसिव एरा आपके पास एक अलग सवाल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इतना ही पेपर में कभी आया नहीं। अब प्रोग्रेसिव एरा क्या है? जाहिर है सब कुछ जब अच्छा हो रहा होता है तो एक बीमारी है करप्शन, ठीक
ठीक है, अब यहाँ पे करप्शन स्टार्ट हो जाती है। होता ये है कि यूलेसिस जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं कब, 1869 में, लेकिन ये वाले जो आते हैं ना ग्रेंट्स, ये लोग अपनी फाइनेंशियल गेन के लिए चीजें इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है ना, आप कोई हर कोई 100% अच्छा तो नहीं होता, तो यूएस के ये वाले जो प्रेसिडेंट है ये थोड़ा सा करप्शन में इन्वॉल्व है। अब होता क्या है कि मैनी अमेरिकन कॉल फॉर द चेंज इन द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम। आप इसकी मिसाल ऐसे लेके, जब इमरान खान साहब आए थे तो उनका भी यही नारा था कि भाई प्रीवियस गवर्नमेंट करप्शन कर रही है। अब लोगों को जब पता चलता है ना कि यार करप्शन हो रही है, तो ये डिमांड करते हैं। ये क्या डिमांड कर रहे थे कि यार आप पॉवर्टी को कम करें, हमारा लिविंग कंडीशन को अच्छा करें और बिग बिजनेस को रेगुलेट करें। रेगुलेट मतलब कि चेक एंड बैलेंस लगाए ना, कि अगर जो मिसाल के तौर पर कहीं दही मिल रही है तो दही जो है वो 100 रुपए की दें आप, जिसका दिल चाह रहा है वो 150 दे रहा है, कोई 160 दे रहा है, सही है, इसको कहते हैं रेगुलेशन कर। तो हिस्ट्री के अंदर 1890 टू 1917 को प्रोग्रेसिव एरा कहा जाता है। अब प्रोग्रेसिव एरा में कुछ लोग थे, सही है, अर्लियर रिफॉर्म क्या थी, 1886 में स्किल्ड लेबर फ्रॉम द अमेरिकन फेडरेशन, AFL इसको कहा जाता है, सैमुअल गॉम्पर्स, इसी तरह से ये सारे मिले, नेशनल ग्रैंड जिन्होंने बनाई, ठीक है, ये सारा सिलसिला चल रहा था, ड्राइव फॉर वुमेन सफराज, सफराज के थे वोटिंग को, ठीक है। आफ्टर सिविल वॉर सबसे बड़ा मसला आया था कि आप मेल को तो राइट्स दे रहे हैं, इससे पहले खवातीन के पास राइट्स नहीं थे, तो फिर इन्होंने कहा कि खवातीन को भी राइट्स मिलेंगे, इनको भी एक से होगी बोलने की सारी के सारी। फिर एक पॉपुलिस्ट पार्टी बनती है 1891 के अंदर, और ये फार्मर्स और लेबरर्स की एक पार्टी होती है, और वो क्या डिमांड करती है कि आप इनजस्टिस और करप्शन के खिलाफ बोलेंगे, ठीक है। फिर कुछ लॉज लेकर आते हैं, फेडरल लेजिस्लेशन होती है, और आपके पास फेडरल लेजिस्लेशन के अंदर आप ये पढ़ लीजिएगा कि विलियम टाफ्ट साहब क्या लेकर आते हैं, फिर रूजवेल्ट की कंडीशन आएगी। ये फॉरेन अफेयर्स का मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा डाला हुआ है कि अगर कहीं से कोई सवाल आ जाता है तो आप उसको भी आराम से टैकल कर सकते, ठीक है। ऑल राइट जी, ये वाले टॉपिक जो है इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। आपको यहाँ तक पता होना चाहिए कि ये वाला जो प्रोग्रेसिव एरा है इसके अंदर हुआ क्या, ठीक है, और इसकी समरी पढ़ लेना यार, और कुछ नहीं चाहिए आपको। ये मैंने खैर बहुत डिटेल में नोट्स बनाए हुए, आप सिर्फ ये पढ़िए कि प्रोग्रेसिव एरा था क्या, उसमें हुआ क्या, एंड अगेन उसका इम्पैक्ट क्या आया, बस इतना कर लेना तो आपका ना ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा यूएसए का। और इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक्स बचेंगे ना, वो मैं कोशिश करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल बना के डाल दूं, क्योंकि इसके बाद आएगी वर्ल्ड वॉर 1, सही है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आएगा ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन के बाद आएगा जी वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद जी कोल्ड वॉर का एक सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, कोल्ड वॉर के बाद आपके पास आ जाएगा वो 9/11, ठीक है, क्योंकि ये खत्म हुई थी आपके पास 1979 के अंदर, शुरू हुई थी 1991 के अंदर, आपकी ये कोल्ड वॉर खत्म हुई है रशिया के साथ, रशिया के साथ खत्म हुई 2001 के अंदर, ये 9/11 वाला वाक्य आ गया। 9/11 के बाद आपके पास जो वो सारा कुछ फिर क्या कहलाता है, करंट अफेयर्स कहलाएगा, सही है। तो ये कहानी है यूएसए की पूरी के पूरी। तो आई होप सो कि आप लोग इसको तैयार करें घर में, और कोशिश करें बेटा कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले पहले तक की आपको चीजें आ जाएं। ये मैंने पूरे लेक्चर आपको कवर करवा दिए हैं, बाकी इंशाल्लाह जो भी है वो मैं आपको बहुत जल्दी कवर करवा दूँ। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।